राज्यसभा में मनोज झा जब अप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान पीयूष गोयल की एक शब्द या एक जो वाक्य रहा है उसको लेकर के अब राजनीति गरमा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विपक्षी सांसद मौजूद हैं जो गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार का अपमान स्वीकार नहीं, माफी मांगो पीयूष गोयल, बिहार का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके के लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी सांसद एकजुट हो रहे हैं और पीयूष गोयल से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर माफी मांगो पीयूष गोयल, माफी मांगो, माफी मांगो केंद्र सरकार, माफी मांगो, माफी मांगो केंद्र सरकार, माफी मांगो, माफी मांगो। साथियों, आप देख सकते हैं सिर्फ राजद जदयू नहीं, एनसीपी, शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, कांग्रेस, तमाम लोग बिहार के इस समाज के खिलाफ पीयूष गोयल जी से माफी मांगने के लिए एकताबद्ध है। ये हमारी सॉलिडारिटी का प्रतीक है बिहार के लिए, बिहारवासियों के लिए। ललन जी, जिस तरीके से मनोज जी ने कहा पीयूष गोयल का ये अपमान, ये पीयूष गोयल का ये है जो शब्द है, बिहार का अपमान, बिहार का अपमान, इस तरह का शब्द तो स्वाभाविक तौर पर अपमान है ना। बिहार ही नहीं, पूरे बिहार वासियों का अपमान। और कोई जिम्मेवार व्यक्ति अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है जो सदन के नेता है, तो उनको क्षमा मांगना चाहिए। आज पूरा बिहार प्रदेश और बिहारी आहत है इससे, आघात। तो साफ तौर पर मनोज जी आपने जो है कल भी इस मुद्दे को उठाया था, एक्सपंज करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, एक्सपंज भी नहीं हुआ है और माफीनामा नहीं आया। एक राज्य, गौरवशाली इतिहास वाले राज्य को आप अपमान कर दें, ये एकता ऐसे ही नहीं है तमाम विपक्ष की, ये एकता है कि बिहार का अपमान, बिहार तो छोड़िए हिंदुस्तान भी नहीं सहेगा। पीयूष गोयल जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी शरीक गुनाह। यानी साफ तौर पर विपक्षी सांसद एकजुट है और वो यही कह रहे हैं कि पीयूष गोयल को माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को सीधे से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तमाम विपक्षी सांसद, जिसमें बिहार से जुड़े हुए सांसद तो हैं, लेकिन उसके अलावा विपक्षी अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसद भी इसमें बिहार जो है RJD और JDU सांसदों के साथ में नजर आ रहे हैं। अंकित गुप्ता, VP News, दिल्ली।